दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो सामने आप जो गाड़ी खड़े देख रहे हैं वो है होंडा का एक्टिवा E20 मॉडल। तो आज हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ये जो फ्यूल मीटर है इसके ये नीडल के ऊपर कि ये नीडल जब यहाँ तक आता है तो कितना तेल रहता है, क्योंकि इस मीटर पे देख सकते हैं कोई भी रिजर्व का साइन नहीं देता, और जब यहाँ तेल आने लगता है तो एक डर बन जाता है कि कहाँ पेट्रोल पंप आप तेल छोड़ देगा या फिर मीटर फूक देगा, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरा यहाँ तेल छोड़ा, फिर मैंने जब 200-300 तेल भरा तो देखा हाफ टंकी से ज़्यादा आ गया, मतलब इसमें तेल ज़्यादा रहता। तो यही मैं मुझे भी एक ज़रूरत है वीडियो का कि कितना रहता है, मैं भी ये जानना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को भी दिखाऊँगा कि इसमें कितना रहता है। तो चलिए अब बनाते हैं इसको वीडियो। पहले इसका फ्यूल वाला खोल लेते हैं, फ्यूल कैप खोल लेते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका पीछे जो कि रहता है फ्यूल, और हम हाफ लीटर करके इसमें डालेंगे। तो पहले आप लोग को दिखा देते हैं कि इसमें फ्यूल एकदम नहीं है, एकदम मीटर चालू कर कुछ भी नहीं है एकदम। इसमें थोड़ी देर रुक जाते हैं अगर तेल उठ जाए तो देख सकते हैं इसमें कोई भी कांटा थोड़ा भी नहीं रहा, क्योंकि इसमें तेल एकदम खाली कर दिया है। उसके बाद देख सकते हैं तेल आप लोगों को दिखाए तो नहीं मिलेगा, फिर भी कोशिश कर रहे देखते हैं। तो चलिए इतना देर में तो मीटर उठ जाना चाहिए, लेकिन मीटर देख सकते हैं जहाँ का तहाँ है। तो चलिए अब वीडियो बनाते हैं और हम हाफ लीटर का बोतल से इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कितना रहता है। तो ये रहा हाफ लीटर का बोतल, पहले हाफ लीटर ही डालेंगे, हाफ लीटर में कितना रहता है क्या होता है देखते हैं। रह जाओ भाई। तो ये मैंने एक टिप भी लाया है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है बिना टिप की मदद से तेल को डाला नहीं जाएगा। और ये देखिए तो हाफ लीटर का ही बोतल है। लो भाई कैमरा मैन, थोड़ा मेरा कैमरा पकड़ो और तेल डालते हैं। तो ये रहा भाई, पहले इसमें हाफ लीटर तेल डालते हैं। हाफ लीटर में कुछ होगा इसका, ये तो नहीं लग रहा कुछ होगा, क्योंकि लमसम इसमें हाफ लीटर तेल रहता ही है, फिर भी इसमें कुछ नहीं होता है। एक बार चेक करते हैं मीटर को कि कुछ हुआ या नहीं, ज़्यादा बंद नहीं करते, फिर तो खोलना ही पड़ेगा। देखिए कैमरामैन थोड़ा, तो भाई मीटर तो ऑन ही था, देख सकते हैं अभी ऑफ किया, फिर से इसको ऑन करते हैं। देखिए ये इंजेक्टर वाला फ्यूल वाला दे रहा है, लेकिन मीटर थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिला। आप लोग देख सकते हैं जो का तहाँ है, इधर से भी देखिएगा कहीं से भी कुछ मीटर नहीं हिला। तो चलिए इसमें हाफ मीटर और तेल डालते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। फिलहाल के लिए चाबी को ऑफ कर दे रहा है। तो भाई हाफ लीटर तेल और मैंने लिया, देखते हैं इसमें भी क्या होता है। हाफ तो डाल चुके हैं, फिर भी काटा कुछ नहीं हिला। हाफ लीटर और डालते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। लमसम मुझे लगता है कि रिजर्व में तो 1.5 लीटर रहता है, बाइक में इस समय भी देखा कि 1.5 लीटर रहता है, और इसमें देखते हैं कितना का रहता है क्या। कहाँ तक तब से तो वैसे ही है, साइड में रखते हैं और फिर देखते हैं कितना क्या होता है। देख सकते हैं चाबी को ऑन किए, एक बार ऑन, यहाँ पर सिग्नल दे रहे मतलब ऑन हो गया। कांटा यार थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, तो पोपर कांटा कुछ भी नहीं हिला है, तेल एकदम नहीं था गाड़ी में। थोड़ा देर रुक जाते हैं, ये देख सकते हैं तेल का कांटा, इसमें डिजिटल नहीं है ना, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो 1 लीटर डाल दिया, अभी भी कुछ कुछ हिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा अभी भी नहीं, थोड़ा सा उठा है कांटा, देख सकते हैं कांटा पहले एकदम डाउन पे था, ये देखिए लाल तक आया है, मतलब तो 1 लीटर तेल यहाँ तक है। और आप इसे फुल स्टैंड पर नहीं चेक कर सकते, फुल स्टैंड में इतना सा गाड़ी उठ के रहता है, इसीलिए मैंने हाफ स्टैंड लगा दिया है। तो हाफ स्टैंड में पता चला है, क्योंकि आप जब गाड़ी चलाते हैं तो हाफ स्टैंड में चलाते हैं, देख सकते हैं अब कांटा कुछ उठा है। फुल स्टैंड में इसको मत ही कीजिए। तो
तो देखिए फुल स्टैंड पे था, इसीलिए कांटा कुछ दिक्कत कर रहा था, तो मैंने इसको हाफ स्टैंड कर दिया। देख सकते हैं एक लीटर में यहाँ तक उठा। तो जब भी कीजिएगा फुल स्टैंड मत कीजिए, हाफ स्टैंड में कीजिएगा, तब आपको कांटा का पूरा पूरी पता चलेगा। देखिए एक लीटर में यहाँ तक आया, तो चलिए हाफ लीटर और डालते हैं फिर देखते हैं। तो गाड़ी को फुल स्टैंड में ज़्यादातर मत रखिए, हाफ स्टैंड रखिएगा। देखिए मैंने ये हाफ स्टैंड में रखा पत्थर में, जितना तक गाड़ी का जब भी चलाते हैं तो उसका लेवल इतना रहना चाहिए। फुल स्टैंड में क्या होता है कि इतना गाड़ी का टायर उठ के रहता है। तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये देखिए फुल स्टैंड में इतना गाड़ी उठ के रहता है। तो मान के चलिए आपका अगर तेल है वहाँ पर, तो वो तो इधर उधर तेल चला जाएगा, तो आपको ठीक से पता नहीं चलेगा। इसलिए गाड़ी को हाफ स्टैंड लगा के एक बार चेक किए तब प्रॉपर आएगा। तो देख सकते हैं उसे मैंने फिर से हाफ स्टैंड में कर दिया है, तब जाके मीटर में अच्छा से क्या आएगा। देखिए यहाँ तक अभी तेल रुका हुआ है। चलिए फिर से हाफ लीटर और डालते हैं फिर देखते हैं। तो भाई आप देखते हैं मैं हाफ लीटर और तेल डाल के कितना क्या होता है। ये वही रिजर्व में मान के 1.5 लीटर का तेल रहता ही है। तेल तो डाल, मीटर बहुत ही थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। डिजिटल अगर होंडा देता है तो और अच्छा रहता, उसमें तुरंत दिखाएगा। इसमें पूरा भी 1.5 लीटर तेल चला गया। अब देखते हैं इसका मीटर का क्या होता है। तो ब्लॉक ही पर देते हैं, तो अब इसको ऑन करते हैं और हाफ स्टैंड में ही हम रखेंगे ताकि प्रॉपर इसमें दिखेगा कि कितना रहता है कितना नहीं, क्योंकि फुल स्टैंड में गाड़ी उठ के रहता है उसे पता नहीं चल रहा। ओह चाबी नहीं ऑन की थी इसीलिए मीटर नहीं उठ रहा था। तो देख सकते हैं मीटर उठ रहा है धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे इसमें मीटर उठता है। बहुत धीरे धीरे यहाँ तक आया लाल तक। अब टंकी एकदम खाली था, मैं एकदम टंकी खाली कर दिया था, इसीलिए शायद इसको और लेट लग रहा है। तो ये देख सकते हैं गाड़ी एकदम सीधा मैंने रखा हुआ ताकि प्रॉपर एकदम पता चल सके कि कितना है, क्योंकि गाड़ी चलता है इसी पोजीशन में, दोनों टायर नीचे ही रहता है। फुल स्टैंड करने से दिक्कत आ रहा था इसीलिए मैंने गाड़ी एकदम सीधा कर दिया। तो अभी तक पूरा लाल तक नहीं आया, हाफ लीटर और देना होगा तब जाके कुछ आएगा। इसका 5 लीटर का टंकी रहता है, तो यहाँ अगर 2 लीटर 5.3 कंपनी बताता है, तो देखते हैं कितना का होता है। अभी यहाँ तक आके रुक गया, देख सकते हैं टंकी यहाँ तक आके, टंकी वो नीटल यहाँ तक आके रुक गया, हाफ लीटर शायद और लेगा। तो चलिए हाफ लीटर इसमें और डालते हैं फिर देखते हैं कितना आता है। हाफ लीटर नहीं, इसको पहले 250 ml डालते हैं फिर देखते हैं। तो भाई इसमें हाफ लीटर और हाफ लीटर कर कर के इसमें बहुत तेल डाल दिया, चलिए पता तो चल गया इसमें कितना तेल रहता है, कांटा कितना मुकता है। ये हाफ लीटर और कितना अभी तक डाल दिया, 1.5 लीटर डाल दिया ना। हाँ। लो और हाफ लीटर ले लो। इसी के लिए मैंने तेल लाया था कि कितना का रहता है प्रॉपर इसको ये होगा, क्योंकि मुझे भी बहुत डर लगता है जहाँ तहाँ इसका तेल जब निकल छोड़ देता है ना, ये पेट्रोल पंप की ओर भागना पड़ता है। और ये अगर तेल छोड़ दिया तो इसमें चौक भी नहीं है कि स्टार्ट करके इसको ले जाएंगे कहीं। तो चलिए ऑन कर दिए, और इसका कांटा में बहुत टाइम लग रहा है उठने में। इधर आके प्रॉपर चेक करते हैं कितना देर में उठता है। अब जाके कुछ स्पीड काटा उठ रहा है, शायद तेल एकदम नहीं था इसीलिए काटा नहीं उठ रहा था। और थोड़ा गाड़ी को सीधा कर लेते हैं, तो देख सकते हैं गाड़ी का क्या पोजीशन है। एकदम ये टायर भी एकदम नीचे है, ये टायर भी नीचे है, दोनों टायर नीचे रख के कीजिएगा तब जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा। तो अब देखिए कांटा कहाँ तक आ गया, निडल कांटा पूरा एकदम लाल हल्का सा क्रॉस कर चुका है। अगर सीधा से देखिएगा तो लाल हल्का सा क्रॉस कर चुका है, देख सकते हैं
क्रॉस भी नहीं किया, हल्का एकदम क्रॉस किया, मंदिर मैंने कहा 100 ml या 50 ml को उतना क्रॉस किया। तो इसमें चलिए पता चल गया, आप क्रॉस कर रहा है धीरे धीरे, मतलब लम सम मान के चलिए कि इसमें 2 लीटर तेल रहता है इधर, तो दो, फिर अगर 2-3 सूट अगर डाल देंगे ना तो यहाँ तक कांटा आ जाएगा, और फुल तक तो 500 में फुल हो ही जाता है। ये देखिए कांटा रेड वाला एरो से क्रॉस कर चुका है, हल्का सा क्रॉस किया, तो एक अंदाज़ा ले लिया, मतलब 2 लीटर इसमें रह रहता है। उस हिसाब से अपना गाड़ी का अगर आप माइलेज चेक कीजिएगा तो उसी हिसाब से गाड़ी चलेगा। लेकिन अब इसमें चलिए यहाँ तक कांटा आने से डरने की कोई बात नहीं कि 2 लीटर तेल है भाई, अगर यहाँ तक भी आ जाएगा फिर भी आप लोग रहेगा चलिए 50 किलोमीटर खींच देगा। और अभी ऐसा ही नहीं है कि 50 किलोमीटर में आपको पेट्रोल पम्प नहीं मिलेगा, 50 किलोमीटर के अलावा पेट्रोल पम्प मिल ही जाएगा, 10 किलोमीटर में आजकल मिल जा रहा है। तो चलिए डरने की बात नहीं है, कांटा और भी उठ गया, मान के चलिए इसमें आपका 1.5 से 1.75 तक रहता है तेल, मतलब 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा, पूरा मैं नहीं कहूँगा कि 2 लीटर रहता है, 1.5 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मतलब वही, और 250 ml मान के चलिए ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये कांटा मेरे बात की बहुत स्लो स्लो उठ रहा है, इसीलिए ठीक से पता नहीं चल रहा। चलिए आज पूरा प्रॉपर हो गया कि इसमें वही 1.75, हाँ वही 1.5 लीटर से थोड़ा ज़्यादा, और 1/2 लीटर 250 मान के चलिए कि उतना तेल रहता है। तो चलिए आज प्रॉपर पता चल गया वीडियो में, 2 लीटर मत मानिए, 1.5 लीटर का लम्बा मानिए तो ठीक रहेगा, 1.5 लीटर मानेंगे आपका भी बचत होगा, सभी की बचत होगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और भाई थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।